ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है मेरा, आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। पिछले वीडियो में हमने आपको महान बॉक्सर शुगर रे रॉबिन्सन के बारे में बताया था, जिन्होंने अपने बॉक्सिंग करियर के दौरान आर्मी में भी अपनी सर्विस दी थी। हालांकि आर्मी में रॉबिन्सन को अपने सीनियर ऑफिसर से नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। मिडलवेट रॉबिन्सन के लिए फाइनेंशियली फायदेमंद साबित होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस जमाने में इस डिवीजन में कई बड़े बड़े नाम शामिल हुआ करते थे। 1950 में पेंसिल्वेनिया स्टेट मिडलवेट टाइटल के लिए रॉबिन्सन ने रॉबर्ट विलीमेन को हराया और मिडलवेट टाइटल में अपना नाम कर लिया। उसी साल अपने टाइटल को बचाने के लिए रॉबिन्सन ने जोस पसोरा को हराया, जिसके साथ पहले खेला गया एक मैच ड्रॉ हो चुका था। पहले ही राउंड में बसोरा को 50 सेकेंड में हराकर रॉबिन्सन ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया था, जिसे 38 साल तक कोई और हासिल नहीं कर पाया। आगे जाकर रॉबिन्सन ने एक बार फिर से लामोटा को हराया और इसी के साथ लामोटा के साथ खेले गए 6 में से 5 मैचेस में रॉबिन्सन की जीत हुई थी। इस जीत के बाद रॉबिन्सन यूरोप के टूर पर गए और वो पूरा कंटिनेंट घूमा। जी हाँ, रॉबिन्सन की फ्लामिंगो पिंक कैडिलैक पेरिस में चर्चा का विषय बना रहा। लामोटा को हराने के बाद रॉबिन्सन फ्रांस में एक हीरो बन गए। फ्रांस के लोग लामोटा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लामोटा ने 1949 में फ्रेंच बॉक्सर मार्सल कार्डन को हराया था। इसके अलावा जब लामोटा से रीमैच खेलने के लिए मार्सल जा रहे थे तो उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, जिस वजह से फ्रेंच लामोटा से नफरत करने लग गए थे। जी हाँ, रॉबिन्सन उस दौरान फ्रांस के प्रेसिडेंट विंसेंट ओरियोल से अपर क्लास लोगों के लिए रखी गई पार्टी में मिले थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आगे रॉबिन्सन की जिंदगी में कुछ नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में हमें बताएं। एंड दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हमें गणपत में भी देखने को मिल सकती है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें जरूर बताएं, और आगे की कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।